नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर संपर्क के लिए है 9373504565। दोस्तों, आज की केस गायनेकोमास्टिया ग्रेड 3 है, जिसको मेल बूब्स भी कहा जाता है, और इनके केस में स्किन भी बहुत बढ़ गई है, नीचे लटक रही है निपल, ग्लैंड भी बड़ी है, आजू बाजू में चर्बी भी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। ऑपरेशन पूर्व सामने से फोटो देखी है, जिसमें दोनों भी साइज काफ़ी बड़ी है, निपल नीचे उतर आया है, ग्लैंड भी बड़ी है और ऑलमोस्ट लेडी जैसे ब्रेस्ट दिखते हैं। इसको ऑपरेशन के पूर्व मार्किंग किया गया, जिससे ऑपरेशन में लाइंग डाउन पोजीशन में अंदाज रहता है कि स्किन कितनी नीचे आई है, फैट कितनी निकालनी है और ग्लैंड कितनी निकालनी है। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया और सेडेशन भी किया गया, और गायनेकोमास्टिया का जो एरिया है उसमें ट्यूमिसेंट एनेस्थेसिया का फ्लूइड भरा गया, उससे और भी एनेस्थेसिया आता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड रॉड इस्तेमाल करने के लिए पोर्ट इंसर्ट किया, जिससे आजू बाजू की स्किन को तकलीफ नहीं होती और फैट अच्छी तरह मेल्ट होती है, तो आसानी से निकाली जाती। उसके बाद पेरी एरुलर सर्कुलर इंसिजन कट करके उसमें से ये सारी बड़ी ग्लैंड आहिस्ते आहिस्ते डिसेक्ट करके निकाली गई। इसमें कॉटरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, सब ब्लीडर्स लाइक इट किए, देखो कितनी फैट निकली है, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 900 cc फैट निकली, और ये चर्बी जो निकाली है राइट साइड छोटी थी, लेफ्ट साइड बड़ी थी, उस हिसाब से ग्लैंड भी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है। और उसके बाद सुचरिंग किया गया और 24 घंटे के लिए ड्रेन रखा गया। ड्रेन रखने का फ़ायदा ये है कि अंदर कुछ ब्लड वगैरह जम गया तो वो निकल के आता है। 7th डे को पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट देखिए, लेफ्ट साइड को थोड़ी स्किन हैंग हो रही है, ज़्यादा लगती है, बट ये आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट नौजवान है, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चेस्ट का मसाज करना पड़ेगा, तो स्किन श्रिंक हो जाएगी। कभी कभी ऐसे केसेस में जब बहुत स्किन ज़्यादा रहती है तो 1 साल के बाद वो स्किन कट करके निकाली जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।